नया साल है, आप लोगों को तो बोलने नहीं देगा। तो मैं बहुत खुशी करता हूँ, आज नया दिवस है और ये नया दिवस लोग आए हैं, नौजवान लड़के आए जिनके लड़कियाँ बोलना जानती है, अभी एक लड़की बहुत अच्छा बोलती है, लेकिन समय कमता था सब पूरा नहीं है, लेकिन किसी तरह आते रहना है और कभी कोई सभा होगी सभा होना, इसलिए आपको कहना चाहता हूँ आप लोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कोई नहीं करेगा हम कर देंगे, आप बता रहे आज आज मुझे खुश है कि नड्डा जी भी आए हैं कलकत्ता से, कुशवाहा जी तो जाने का अभी तो गायब हो जाते हैं, ये दुविधा में रहते हैं, दुविधावादी लोग कभी भी पढ़ नहीं सकते, हमेशा व्यापार या व्यापार तो आप सब लोग आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, समझ सुनना ये पार्टी आपके हाथों में आ जाएंगी, आप ये बस सुनना कि केवल कार्यकर्ता ही बनी रहो, हम चाहते हैं कि लड़कियां भी आगे आए, बड़ा खेत से कह रहे हैं इनको पदाधिकारी या कमेटी या मेंबर सीट कमेटी का राज्य का कार्यक्रम जो बना और नम्रता तो मेरे पास आ जाएंगे, हम सब बना सबको पूरा अधिकार है, पार्टी की रक्षा करना, अभी हम कार्यक्रम दे सकते हैं, आप बुलाना चाहते आप बुलाना चाहते आप बुलाना चाहे कोई बुलाना चाहेगा मैं आ जाऊंगा, मैं लिख के दे देना, लिख के दे देना जो भी कार्यक्रम जिले में कार्यक्रम हमें सब छोड़ करके कार्यक्रम ही करेंगे, हो गई अब लोकसभा चलेगी ये बहुत संभव है कि चलेगी, तब तक चुनाव होना शुरू हो जाएगी, तो दो चार दिन कोई चुनाव ही लेगा कोई लोकसभा तय निकलने नहीं जाएगा, हम अपने क्षेत्र में रहेंगे अपने सूबे में रहेंगे, मध्य प्रदेश में भी जाऊंगा बम्बई भी जाऊंगा कई सूबों में हरियाणा में राजस्थान में ये अगल बगल के जितने सूबे हैं उनमें सब एक एक दिन के लिए मैं जाऊंगा और कहीं कहीं एक एक रात रुकूंगा, पहले रुकती थी उससे सबकी बात हो जाती है, समय में आ जाते हैं इसका सवाल है, अखिलेश तो आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उस तरह से जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा वो नहीं निभा रहे, शांति को सुनो और अगर कोई बात हो तो सवाल भी कर लेना, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि अखिलेश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत संयम धीरज के साथ लड़के नौजवानों को जोड़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देंगे लड़कियों की, क्योंकि लड़कियां जो नहीं तो वो सफर जाए, वो कोने पर अपने परिवार को मोहल्ले को लेकर के जाएंगे, अगर पूरा वोट समाजवादी पार्टी का पड़ जाए तो समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, वोट डलवाने तो वोट डलवाने का काम आप करना मेरी अपील है, हमारी प्रार्थना है
और आप में से कोई चाहेगा कि मेरा कार्यक्रम लगा क्षेत्र में, हमने कहा खतरा समाजवादी पार्टी से है, आप प्रधानमंत्री से कहा आप दौरा ज्यादा कीजिए यूपी में, यूपी में समाजवादी पार्टी में नौजवान और महिलाएं लड़कियां सब एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के साथ वो देखते हैं। अब देख के मुझे इस बात की खुशी है कि सभी नौजवान हैं, लड़का हो चाहे लड़कियां हो, तो इसलिए पार्टी जो हम कहा करते थे कि पार्टी हमारी बूढ़ी न होने पाए, लेकिन हम समझा है कि पार्टी नौजवानों की पार्टी है और आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नौजवान है। ठीक है, हम ये सब सिखा रहे हैं, जब अच्छी बात है तो तारीफ पीटो, लेकिन नारे देखो तो डिस्टर्ब कर रहे सबको।